Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss who is Karta and explain his rights and duty. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कर्ता कौन होता है एंड उसके अंतर्गत जो केस है, इम्पॉर्टेंट केस है, उसको भी डिस्कशन करेंगे एंड उसके जितने भी जो कर्तव्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, क्या क्या कर्ता कर सकता है, वो सब हम लोग सारे डिस्कशन करेंगे. पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड अमेंडमेंट जो किया था 2005 में, उसके अंतर्गत भी हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था उसको डिस्कशन किया था. तो उसको आप पिछले वीडियो को देख लेंगे तभी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग फैमिली लॉ डिस्कशन कर रहे हैं. जब फैमिली लॉ कम्प्लीट हो जाएगा तो हम लोग मुस्लिम लॉ भी कम्प्लीट करेंगे. तो आप लोग को ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा ताकि हम लोग जल्दी लॉकडाउन के अंतर्गत जितने भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर ले. इसके बाद हो सकता है लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट एग्जाम लिया जाए तो आप लोग का सिलेबस जो है कंप्लीट रहे. अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर. टॉपिक है हमारा हु इज कर्ता. यहाँ पर कर्ता कौन होता है? कर्ता वही व्यक्ति होता है जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में माइनर पर्सन एंड वुमेन के जितने भी नीड्स है उसको क्या करता है, उसको पूर्ति करता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रबंध करता है. तो उस प्रबंध करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं. इसको यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. जैसे कि आप अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे तो आप हमेशा जानते होंगे, आप तो ऑफकोर्स जानते होंगे कि आपके यहाँ पर आपकी माता रहती है, आपके पिता रहते हैं, आपके दादा हैं एंड आपकी सिस्टर है, आपके चाचा हैं, सारे लोग मिलकर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना करते हैं. यहाँ पर मैंने छोटे छोटे सर्कल बना दिए हैं, जैसे कि आपकी माँ हो गई, आपकी सिस्टर, आपके जो ब्रदर हैं, आपके दादा चाचा मिलकर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना करते हैं. अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा दादाजी होंगे. तो अगर दादाजी जीवित हैं तो दादा क्या होंगे? दादा एक मैनेजर होंगे, मींस प्रबंधक होंगे. तो यहाँ पर उन्हीं को कर्ता माना जाएगा. मींस कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, जो क्या करता है कि जो एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जितनी भी नीड्स है उसको पूर्ति करता है, तो उसको हम लोग कर्ता कहते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैम अगर दादा जीवित नहीं है तो कौन बनेगा? अगर दादा जीवित नहीं है तो जो जो सबसे बड़ा इंसान होगा उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, मीन्स कि आपके पिता जो है एक कर्ता बन सकते हैं, बन जाएंगे उस सिचुएशन में. अगर आपके दादा जीवित नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पिता कर्ता बनेंगे. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कर्ता जो है सर्वे सर्वा होता है. ओके, सर्वे सर्वा होता है मीन्स कि वो सारे लोगों की नीड्स को, आवश्यकता को पूरा करता है, तो उसे हम सर्वे सर्वा कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे. एंड वो क्या होता है कि फैमिली का मैनेजर होता है, एक तरीके से कहा जाए कि ब्रांच मैनेजर कह सकते हैं, कि जो बैंक का मुखिया होता है उसे हम लोग ब्रांच मैनेजर कहते हैं, उसी प्रकार परिवार का मुखिया हम कह सकते हैं वो मैनेजर होता है. ओके, प्रबंधक होता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मैम क्या पिता जीवित नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पर पिता जीवित नहीं है उस कंडीशन में, वहाँ पर जो बड़ा भाई होगा वो क्या होगा, कर्ता बन जाएगा. मीन्स कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ उस घर में अगर जो कोई भी बड़ा भाई होगा तो वो उस परिवार का कर्ता बन जाता है, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कर्ता बन जाता है. ओके, यहाँ आपने क्लियर किया. एंड कोई भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी माइनर पर्सन जो है कर्ता नहीं बन सकता है. माइनर पर्सन कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कर्ता नहीं बन सकता है, या फिर को पर्सनल फैमिली, कोई भी फैमिली हो उसका कर्ता एक, क्योंकि आप समझ सकते हो कि माइनर पर्सन जो है 18 ईयर से कम एज होती है, उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है किस तरीके से हम लोग को फैमिली का डेवलपमेंट करना है, ये सब नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए माइनर को कर्ता नहीं बनाया जा सकता है. अब हम लोग डायग्राम के माध्यम समझेंगे कि हु इज कर्ता. यहाँ पर मैंने चार पीढ़ी को दिखाई हूँ, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड फादर के दो सन हैं. ओके, एक सीनियर है, एक जूनियर है. अब यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर जो सबसे बड़े हैं, मीन्स कि सबसे सीनियर हैं, सबसे बड़े हैं,
तो कौन बनेगा कर्ता? ऑफ कोर्स ग्रेट ग्रैंडफादर बनेंगे। बट यहाँ पर यह भी सिचुएशन हो सकता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर की कंसेंट है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कर्ता नहीं बनना चाहता, या आप जो है ग्रैंडफादर को कर्ता बना दीजिए। ओके, तो यहाँ पर इनकी कंसेंट से, सभी लोगों की कंसेंट से क्या होगी कि कर्ता को जो छोटे हैं, जूनियर हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। ओके, या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा आपका ग्रैंडफादर। अब क्या होती है कि ग्रैंडफादर की भी मृत्यु हो जाती है, तो ग्रैंडफादर की मृत्यु हो जाएगी तो कहाँ चला जाएगा, कौन परिवार का मुखिया हो जाएगा? फादर। ओके, एंड अब क्या होती है कि फादर की भी मृत्यु हो जाती है, तो फादर की मृत्यु हो जाती है, फादर के दो शन है। ओके, तो यहाँ पर दो शन में से सबसे जो सीनियर सन है वही कर्ता बनेगा, सीनियर सन है वही कर्ता बनेगा। क्या होती है कि अब क्या होती है कि सीनियर सन की भी मृत्यु हो जाती है तो जूनियर सन बन सकता है। अब यहाँ पर केस दिया हुआ है, जगन्नाथ रंगनाथ चावन वर्सेस सुमन साहिब्रो घावटी AIR 2014 NOC 491 बॉम्बे का केस है। यहाँ पर बताया गया है कि कभी भी क्या होती है कि कभी भी पिता की मृत्यु हो जाती है तो आप जो है सबसे बड़े सन को कर्ता बना सकते हैं, बट अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर अगर क्या होगी कि इससे भी बड़ी एक पुत्री होगी। ओके, यहाँ पर इससे भी बड़ी, सन से भी बड़ी पुत्री होगी जिसकी शादी हो चुकी होगी, तो क्या हम इसे कर्ता बना सकते हैं? नो, बिकॉज इस केस में यही चीज बताया गया है कि कोई भी लड़का कर्ता बन सकता है, न कि लड़की कर्ता बन सकती है। ओके, और वो भी विवाहित, मीन्स कि अब वो विवाहित हो गई तो, मैरिड हो गई तो वो दूसरे घर की हो गई, तो अगर बड़ी भी है तो इस केस में बताया गया है कि सीनियर भी है, सारे भाइयों से सीनियर भी है, तो भी इस जो डाउटर है उसको कर्ता नहीं बनाया जा सकता। कर्ता कौन बनेगा? जब भी बनेगा एक बेटा बनेगा, या फिर बड़ा हो चाहे छोटा हो। ओके, लेकिन 18 ईयर से एबव होना चाहिए। यहाँ आपने समझ लिया। अब यहाँ पर चलते हैं, केस है मुद्रित वर्सेस रंगलाल 1902 एंड शंकर वर्सेस शंकर 1943 के केस में क्या हुआ था कि इस केस में बताया गया है कि इस केस में क्या चीज़ बताया गया है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सभी के कंसेंट से एक से ज़्यादा कर्ता भी हो सकते हैं। क्या होती है कि जैसे इस केस में क्या बताया गया है कि सभी लोगों की कंसेंट से, सारे लोग जो है कंसेंट दे देते हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मीन्स कि फादर भी बन सकते हैं कर्ता एंड ग्रैंड फादर भी बन सकते हैं कर्ता, तो दो लोग कर्ता बन सकते हैं, लेकिन सभी लोगों की कंसेंट यहाँ पर आवश्यक होगी। ओके, यहाँ आपने समझा कि हु इज कर्ता एंड कैसे कैसे कर्ता बनते हैं, एंड केस के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा। अब चलते हैं राइट्स ऑफ कर्ता। ओके, यहाँ पर राइट्स ऑफ कर्ता में मैंने दो चार पॉइंट लिखी हूँ, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी कर्ता जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जितनी भी नीड्स होगी उसको प्रबंध करने का कार्य करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस हो गया, मैरिज हो गया, या फिर आप कोई भी अपने घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर कोई भी कार्य होती है तो क्या करने का कार्य होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने का आपका कार्य होगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं आय व्यय से संबंधित जितनी भी आपको पैसों की आवश्यकता है उसको पूरे करने का दायित्व जो है, विवाह से संबंधित हो गया, या कोई चीज़ों से संबंधित हो गई, मेंटेनेंस से संबंधित हो गई, या फिर आपको कर्ज से रिलेटेड हो गया, कोई भी चीज़ों का आपको राइट्स बनता है कि आप जो है पूरा करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है राइट टू मैनेज ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। आप जो है करता है, सबसे बड़े हैं आप, सर्वे सर्वा हैं आप, सुपीरियर हैं, तो यहाँ पर जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, जो भी ज्वाइंट फैमिली की बिजनेस होगी उसको मैनेज करने का आपका दायित्व तो बनता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट डेट फॉर पर्पस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। यहाँ पर बात करता है कि जैसे कि
ज्वाइंट फैमिली के कुछ पर्पस है उसके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ विवाह वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आपने ये किया है, लोन लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे कोई बिजनेस के लिए आपने लोन लिया है, तो लोन लेने का भी आपका यहाँ पर राइट्स है। किसके लिए, किस चीज़ के लिए, ज्वाइंट फैमिली के हित के लिए आपने लोन लिया है तो आपको ये राइट्स बनता है, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट आता है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बात करता है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होती है संविदा, संविदा करने का भी राइट्स आपको दिया गया है, ओके। अब यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, राइट टू रिफर टू आर्बिट्रेशन। यहाँ पर बात करता है कि कोई भी विवाद हो जाती है तो आपको मध्यस्थतम आर्बिट्रेशन के थ्रू आप सुलझा भी सकते हैं, आपको इतनी राइट्स दी गई है। एंड सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट ये आता है राइट टू गिव डिस्चार्ज में बोला गया है कि उन्मुक्ति प्रदान करने का अधिकार भी आपको दिया गया है, ओके। एंड यहाँ पर सेवेंथ पॉइंट आता है, सेवेंथ पॉइंट है राइट टू इंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर कोई भी चीज़ों के लिए आप जो है समझौता करने के भी अधिकार है आपको, कि मीन्स आप समझौता कर सकते हैं, इस तरीके का भी अधिकार दिया गया है। एंड एट पॉइंट है राइट टू रिप्रेजेंट द सूट। अब क्या होती है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत कोई भी केस फाइल किया जाता है, केस फाइल करने से क्या होती है कि आप जो है करता है, आप सर्वे सर्वा है, तो आप जो भी केस है, सूट है, उसके अंतर्गत आप रिप्रेजेंट करने का कार्य करेंगे कि मेरी फैमिली के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि आप जो है मुखिया है तो आप सूट के लिए आप रिप्रेजेंट करने का कार्य करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के तहत, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं ड्यूटीज ऑफ कर्ता, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है ड्यूटी टू रिमेंबर द अकाउंट। यहाँ पर कोई भी लेखा जोखा है उसको क्या करना है कि आपको बताने का भी राइट्स है, ड्यूटी है, ड्यूटी के किस लिए ड्यूटी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर कर्ता नियुक्त कर दिया गया है तो आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कर्ता है, तो ऐसा नहीं कि आप जो है अपने मनमानेपन से कोई भी चीज़ों के लिए लोन ले लीजिए, कोई भी चीज़ों के लिए आप कहीं पे भी खर्च कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ों का खर्च होता है, लोन लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो आप जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के तहत जितने भी मेम्बर हैं उन लोग को आप जो है जो भी आपने किया है खर्च उसका विवरण देने की आपकी ड्यूटी बनती है, लाइबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आती है ड्यूटी टू रिलीज द डेब्ट ड्यू टू द फैमिली। यहाँ पर बात करता है कि जैसे कि कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के तहत कोई भी लोन लिया गया है तो उसको वसूल करने का भी आपकी जो ड्यूटी बनती है, ओके। एंड थर्ड पॉइंट आता है ड्यूटी टू स्पेंड रीजनेबल। यहाँ पर बात करते हैं रिजनेबल मीन्स होती है कि जैसे कि कोई भी उचित रूप से खर्च करने का कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि आप जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कर्ता हैं, आपके ऊपर सारी जितनी भी जो अकाउंट है आप मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो है किसी तरीके से आप कुछ भी कोई भी चीज़ों का खर्च कर देंगे, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको जो भी खर्च है उसका विवरण देना चाहिए, या फिर आप उचित खर्च करें ताकि लगे कि हाँ ये जो करता है सही तरीके से कार्य कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है ड्यूटी नॉट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स। यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी सहदाइक हो गए या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हो गए तो विदाउट कंसेंट के, यहाँ पर बोला है विदाउट कंसेंट के आप जो है न्यू बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। न्यू बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट कंसेंट के, जैसे कि आपके जो भी को पार्टनर है, सहदाइक है या ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं, उन लोगों से आपको कंसेंट लेनी है तब जाकर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सब भी कर्ता के दायित्व तो होते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है ड्यूटी नॉट टू अलाइनेट को पार्टनरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर लीगल नेसेसिटी एंड बेनिफिट टू द स्टेट्स। यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि परिसंपत्ति के लाभ या विधिक आवश्यकता के बिना संयुक्त परिवार की संपत्ति को हस्तांतरित न करने का कर्तव्य।
यहाँ पर इस चीज में बताया गया है, यहाँ पर एक केस से समझेंगे हम लोग। केस है आपका लक्ष्मी चंद्र वर्सेस आनंदी 58 इंडियन आंध्र प्रदेश एपी लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स आंध्र प्रदेश ही होगा। एपी 123 के केस में बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली है वो क्या करेगी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के विदाउट मेंबर के कंसेंट के क्या करेगी कि विदाउट फैमिली के कंसेंट के संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकते हैं। ओके, कर्ता की ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी भी कह सकते हैं कि विदाउट ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर के कंसेंट के आपको क्या नहीं करना है, वसीयत नहीं करना है। कर्ता हैज नो पावर टू मेक बिल, यहाँ पे कह सकते हैं नो पावर टू मेक बिल। यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि विदाउट कंसेंट के आपको वसीयत नहीं करना है, ये आपकी ड्यूटी एंड लाइबिलिटी है। ओके, अब यहाँ पर आपने समझा कि हु इज कर्ता एंड कर्ता के राइट्स एंड कर्ता की ड्यूटी क्या क्या होती है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टीशन एंड अगर आपको हिंदू लॉ में फैमिली लॉ में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। क्वेश्चन ये है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के तहत कर्ता जो है कौन बन सकता है। ओके, कर्ता कौन बनेगा। ओके, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड कम से कम इतनी मेहनत को कम से कम अप्रिसिएट करने के लिए लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। एंड टिल देन।